हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से। वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और जब भी सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम पे मिले। और मेरे चैनल पर आप लोगों को काफ़ी कुछ मिल जाएगा, जैसे कि ब्राइडल मेकअप, ब्राइडल हेयर स्टाइल, पार्टी वेयर मेकअप, पार्टी वेयर हेयर स्टाइल, स्किन केयर, हेयर केयर और क्लोथिंग आइटम में भी काफ़ी प्रोडक्ट के रिव्यू मिल जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, इस टाइम पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपनी बेटी के हेयर। और काफ़ी दिन से ऐसे बालों में हेयर स्टाइल की मेरे पास डिमांड आ रही थी कि बहुत ही शॉर्ट हेयर, जितने शॉर्ट हो सकते हैं। अब आप देखिए, जितने शॉर्ट इनके बाल हैं, इन बालों में हम लोग एक ऐसा हेयर स्टाइल बनाएंगे जो आप लोगों को बिल्कुल यकीन भी नहीं आएगा कि इस तरीके का हेयर स्टाइल भी बन सकता है। तो मेरी बेटी के स्कूल में एक पार्ट था, स्कूल में कोई कंपटीशन था उसका, तो उसके लिए वो तैयार होके गई थी। तो उसके मेकअप की वीडियो भी मैंने बनाई है चैनल पर अपने, वो भी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को चाहिए क्या। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसके बालों में, जो मेरी बेटी है उसके बालों में मैंने हाफ में क्रम्पिंग कराई है, एयर टू एयर पार्टिंग करा के, और पीछे पोनी लगा दी है, पोनी बनवा दी है। उसके बाद में उसकी सेंटर पार्टिंग करने के बाद में टीका फिट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो इनके कपड़ों की डिमांड है और जो जिस चीज़ का इन्होंने पार्ट लिया है उसमें इनके लहंगे के साथ में टीका, ज्वेलरी, सारी चीज़ें होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसी तरीके से देखिए, आप लोग देख सकते हैं टीका फिट किया है। टीका फिट करना भी बहुत आसान होता है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को ओनली 4 सेंटर पार्टिंग करनी होती है। सेंटर पार्टिंग के बाद में टीके की जो लड़ी होती है, अगर वो छोटी है आपकी, तो आप उसके अंदर एक धागा बांध लीजिए, और पिन, जो पिन से आप, जिस पिन से टीके की लड़ी को रोक रहे हैं, उसके चारों तरफ वो धागा लपेट दीजिए ताकि आपका टीका बिल्कुल भी इधर उधर ना जाए। तो अब आप देख सकते हैं इनके बालों में पहले पफ बनेगा, क्योंकि जो बाल, जो नीड है, मतलब काफ़ी हेयर स्टाइल बन सकते हैं इनके बालों में, बट ये हेयर स्टाइल जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये इनके उसकी नीड है, जो इन्होंने पार्ट लिया है उसकी नीड है। आगे भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल इन्हीं के बालों में शेयर करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये मेरी बेटी है। तो मुझे ऐसा नहीं है कि किसी कहीं से इनको लाना पड़ेगा, मेरे घर पे ही रहती हैं, मेरा बच्चा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इनके बालों में मैं काफ़ी आप लोगों को हेयर स्टाइल बना बना के दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि बहुत ज़्यादा छोटे बाल अगर हों तो हम लोग हेयर स्टाइल कैसे बनाएं। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने पफ के लिए बाल ले लिए और उसके अंदर फिलर फिल किया है। फिलर भी आप लोगों को मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाते हैं, एक बार सर्च किया कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें मिलनी मुश्किल नहीं होती हैं। आजकल सब कुछ मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल होता है, तो आप देखेंगे फिलर फिल करके एक मजबूत बन जाता है पफ, वो बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं इनके बालों में कितना प्यारा पफ बना है, और इसी तरीके से हम इनका पूरा हेयर स्टाइल कंप्लीट करते हुए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बाल अगर बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो हेयर स्टाइल नहीं बन सकता, बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल बन जाते हैं बहुत छोटे बालों में भी। और देखिए, पार्लर तो जगह ही ऐसी होती है कि वहाँ पे हर प्रॉब्लम का सलूशन है, जैसे डॉक्टर के पास हर बीमारी का की दवा होती है, उसी तरीके से पार्लर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। तो आप इस चीज़ को सोच के चलिए कि पार्लर अगर हम लोग रन कर रहे हैं तो हमें सब कुछ आना चाहिए। किस तरीके की प्रॉब्लम अगर हमारे सामने कोई आ जाए, बहुत छोटा बाल आ जाए या बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड स्किन आ जाए, तो हमें मेकअप से लेके हर काम बिल्कुल आना चाहिए, उसी को ब्यूटिशियन बोलते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं, मैंने इनके बालों में से थोड़े से बाल इन्होंने लिए और एक साइड में लगा दिए ताकि ये पफ और अच्छे से वॉल्यूम पकड़े। तो देखिए, इस तरीके से ही आपको थोड़े से बाल लेने हैं, उसमें हल्की हल्की सी कॉम करनी है। क्रम्पिंग मैंने इसलिए कराई है क्योंकि बहुत छोटा बाल था तो होल्ड नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी। तो क्रम्पिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर आप छोटे बालों में कभी भी काम कर रहे हैं तो आप लोगों को क्रम्पिंग ज़रूर करनी चाहिए। और आप लोग पहले भी मुझसे काफ़ी बार कमेंट करके पूछते हैं कि क्रम्पिंग मशीन कहाँ से लें, किस ब्रांड की लें। देखिए, बहुत सारे ब्रांड की अवेलेबल होती हैं। आप एक बार ना, जो पतली वाली क्रम्पिंग आती है, मोटी वाली क्रम्पिंग आप लोगों को नहीं लेनी है, और उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाली हुई है, तो प्लीज़ एक बार चेक जरूर करिएगा आप लोग, क्योंकि उसकी वीडियो चैनल पर है। तो आप लोगों को ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब कैसे मैम जो बोल रही हैं वो कैसे ख़रीदा जाएगा, तो एक बार आप उस वीडियो को देखिए। तो अब आप देख सकते हैं, इनके जो आगे के बाल बचे थे उस बालों में बहुत अच्छे से हल्का सा रोल करते हुए लेकर जा रही हैं ये, क्योंकि इनके बालों में आगे से लट वगैरह कुछ नहीं निकालनी है, ओनली फॉर सिंपल हेयर बनाना है। तो पहले हम एक साइड का कंप्लीट कर रहे हैं, फिर हम दूसरी साइड का आप लोगों को दिखाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, आप लोग देख सकते हैं, छोटे छोटे रोल बनाएंगे और इसी पफ के ऊपर से लेकर जाएंगे, और आगे का बाल क्योंकि काफ़ी छोटा है तो पीछे पफ के पास तक पहुंच नहीं पा रहा है, बट फिर भी हम लोग यही हेयर स्टाइल करेंगे, क्योंकि जो इनकी मतलब जिसमें इन्होंने पार्ट लिया है उसकी जो नीड है वो इसी तरीके की हेयर स्टाइल की है।
तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से। आगे भी मैं इनके बालों में आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल करके दिखाऊंगी, और फिर आप मुझे बताइएगा कि इतने छोटे बालों में किस तरीके से हेयर स्टाइल होता है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी बार कमेंट किया है, काफ़ी बार कॉल की है कि छोटे बालों में हेयर स्टाइल किस तरीके से बनाए। तो मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा बाल मिल नहीं रहा था, तो फिर मुझे उस दिन आइडिया आया कि मुझे खुशी के बालों में ही आप लोगों को करके दिखाना चाहिए। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं, एक साइड का ही कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड का करना था, तो हम लोगों ने कर दिया है। दोनों साइड से बिल्कुल इसी तरीके से करना था। अब आप देख सकते हैं, ये है आर्टिफिशियल बालों की रबड़। ये रबड़ जो है ये आपको बहुत ईजिली मार्केट में मिल जाती है। देखिए पीछे का बाल क्योंकि बहुत छोटा था, पोनी में भी ठीक से नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने एक रबड़ ली, उसके अंदर उस जो पोनी बनाई थी छोटी सी, उस पोनी को फंसाया। और उसके बाद अब आप देखिए, पिन वगैरह आप लोगों को ज़्यादा लगानी पड़ेंगी क्योंकि बिगर पिन के ये नहीं रुकेगा। तो इस तरीके से देखिए आप लोग देख सकते हैं, बहुत आराम से आप लोग इस रबड़ को रोक दीजिए। देखिए इस तरीके से इनके बालों को ही पकड़ पकड़ के उनके साथ में, देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि छोटा बाल अगर आप ले रहे हैं तो आप, जाहिर सी बात है आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। और इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्राइडल हेयर स्टाइल भी बन सकते हैं इतने छोटे बालों में, क्योंकि सब कुछ फिल करने का आजकल मिल जाता है मार्केट में। ओनली फॉर बालों में इतनी जगह होनी चाहिए कि पिन लग जाए बस, बाकी आप लोग सोचिए बहुत छोटे हेयर में भी बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल बन जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों को इनके बालों में ये रबड़ बहुत अच्छे से फंसा देनी है, बहुत मजबूती से फंसानी है, क्योंकि मेरी बेटी को जाना है स्कूल। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब वहाँ पे जाके हमें तो नहीं पता वो किस तरीके से, क्योंकि डांस वगैरह भी करना है उसको, तो हमने उस चीज़ की पूरी तैयारी घर पे ही कराई थी पहले कि कहीं से कोई बाल इधर उधर निकल ना जाए। तो काफ़ी सारी पिन के साथ में हम लोगों ने ये काम किया, और देखिए इस तरीके से हम लोगों ने उसके सारे बाल बहुत अच्छे से होल्ड कर दिए, तो एक जूड़ा टाइप का बन गया पीछे। अब हम देखिए इस तरीके के जो हेयर डेकोरेशन होती हैं, ये लड़ियाँ आपको बहुत आराम से मिल जाती हैं मार्केट में, बहुत इजी होती हैं गाइज, आप लोग ढूंढ के देखिएगा एक बार। वो हमने इस जूड़े के चारों तरफ देखिए लपेट दी, क्योंकि हमें थोड़ा सा बड़ा हेयर स्टाइल चाहिए, मतलब हमें ये शो कराना है कि खुशी के बाल बहुत बड़े हैं, और खुशी जो है वो अपना मतलब एक लहंगा पहन रही है क्योंकि, तो उसमें इस तरीके का पार्ट ले रही है जैसे राधा वगैरह डांस करती है, तो उसमें उसके लंबे बाल हमें चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं, हमने उनके आर्टिफिशियल बालों की चोटी आगे से लगा दी। ये फंकी हेयर की चोटियाँ होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं गाइज। ये मैंने दो मिक्स करके लगाई हैं, एक हाइलाइटिंग वाली और एक ब्लैक वाली, उनके बालों से हम लोगों ने मैच करते हुए देखा है। ये चीज़ें भी हम लोगों को ही डिसाइड करनी होती हैं कि बच्चे के बालों से, मतलब कोई क्लाइंट अगर हमारे पास आया है तो उसके बालों से अलग हट के काम ना करें। अब जैसे क्या था, इनके बालों में हाइलाइटिंग नहीं थी, बट हाइलाइटिंग के साथ में हमने ब्लैक बाल मिक्स कर दिया, तो बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से ही आप लोगों को बहुत अच्छे से पिनों के साथ में, देखिए इसमें आपको पिन वगैरह ज़्यादा लगानी पड़ेंगी, बॉबी पिन जो होती हैं उसके साथ में काम कीजिएगा, जूड़ा पिन ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि जूड़ा पिन बहुत जल्दी निकल जाता है, बॉबी पिन जो होता है उससे बहुत अच्छे से बाल आता है। तो आप लोग देख सकते हैं पीछे से और आगे से कितना प्यारा लुक आया है इनके बालों का। तो बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और खुशी जो थी वो बहुत खुश हो रही थी देख देख कर, क्योंकि इतने छोटे बाल से इतना लंबा बाल हो गया, और किसी को ये भी नहीं लग रहा था देखने में कि मतलब खुशी का इतना छोटा बाल होगा। मतलब जब हम लोगों ने, जो हमारे पार्लर में क्लाइंट आ रहे थे उन लोगों ने जब ये करे हुए देखा तो वो बोली कि ये कौन है, तो मैंने बताया कि ये मेरी बेटी है, क्योंकि मेकअप वगैरह वो करती नहीं है कभी, तो उस दिन उसका मेकअप भी हुआ, तो बहुत प्यारी लग रही थी, और सब लोगों को यकीन भी नहीं आ रहा था कि ये खुशी के बाल हैं। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। इतने छोटे बाल आप लोगों के पास अगर कभी आएँ तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बट आपके पास हेयर एसेसरीज होनी बहुत ज़रूरी है, हेयर एक्सटेंशन होनी बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से आप लोग देखिए रोज़ की हेल्प से, छोटे छोटे से रोज़ ये भी मार्केट में मिल जाते हैं बहुत ईजीली, इनसे आप उसको डेकोरेट करिए बहुत अच्छे से, ताकि आपका जो हेयर स्टाइल है वो बहुत ही यूनिक लगे। इस तरीके के हेयर स्टाइल आप रियल बालों में भी बना सकते हैं, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है जिसमें मैंने बिल्कुल यही हेयर स्टाइल और उनके रियल बालों में बनाया है, क्योंकि वो काफ़ी लंबे हेयर थे। तो मेरे चैनल पर आप लोगों को बहुत कुछ मिल जाएगा, काफ़ी सारी लॉट्स ऑफ वीडियो मिलेंगी आप लोगों को हेयर स्टाइल की, और किसी भी तरीके का हेयर स्टाइल हम लोग बहुत इजीली कर देते हैं काफ़ी अच्छे से। तो देखिए आप देख सकते हैं कितना प्यारा इनका हेयर स्टाइल लग रहा है, और इस हेयर स्टाइल के साथ में इन्होंने अपना स्कूल में पार्ट किया, बहुत अच्छा लगा था। तो आप लोग देख सकते हैं इस टाइम इनका ऑलमोस्ट डन है पूरा हेयर स्टाइल, तो काफ़ी प्यारा हेयर स्टाइल बना है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आप लोगों के सामने कभी आती है, और मेरे पास जो बच्चे आते हैं सीखने के लिए, मैं उन्हें हर तरीके का चैलेंज देती हूँ, हर तरीके के चैलेंज को उन लोगों को बोलती हूँ कि इसको कुछ करके दिखाओ। हर छोटे से छोटा बाल, हर बड़े से बड़ा बाल, बहुत ही डैमेज हेयर, हर चीज़ का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे होता है, और हर तरीके के बालों के साथ में हम लोग काम करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है चैलेंजेस लेना,
क्योंकि मेरे पास ना काफ़ी कॉल आती हैं बहुत छोटे बालों में हेयर स्टाइल बता दीजिए, तो आज ये उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बनाई है मैंने जिन लोगों ने मुझसे ये बातें बोली थी। तो आप लोग देख सकते हैं खुशी बहुत इंजॉय कर रही है अपने लुक को, और इनका अगर मेकअप लुक आप लोगों को चाहिए हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। तो देखिए हम लोग चेक कर रहे थे कि अगर ये बहुत तेज तेज से वहाँ पर डांस वगैरह भी करती है तो इसका हेयर स्टाइल खुल तो नहीं जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ गाइस। सुबह से शाम तक ये हेयर स्टाइल ऐसा ही रहा था, और आप खुशी का लुक देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की, बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखाने की और समझाने की। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आता है, तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को देखिए सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलेंगी, ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी।